Home Minister Sushil Kumar Shinde has gone on record to claim that BJP's PM candidate Narendra Modi is not under any security threat. He said all the leaders of BJP and Congress who face a security threat have already been provided with adequate security. I cannot disclose in all the cases because the police has to investigate all such cases. If I will mention one or two cases, that will not be good on the account of the evidence. सर नरेंद्र मोदी इनके हित लिस्ट में है, क्या कुछ सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई? देखिए, मैंने बोला कि कल भी मुझे जो डेलीगेशन आ गया था, ये निकाले भाई, जो डेलीगेशन आ गया था हमारे पास बीजेपी का, उनको भी बोला कि बीजेपी के लोगों को कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, हम पूरा इंतजाम किए हुए हैं, बीजेपी के हो या चाहे सोशलिस्ट पार्टी के हो या चाहे बीएसपी के हो या कांग्रेस के हो, जिनको जिनको थ्रेट है उनको हमने काफ़ी सिक्योरिटी दे दी है। और बिहार के बाद, बिहार इंसिडेंट्स के बाद मोदी जी को मैंने खुद उसका अपग्रेड किया है इंसिडेंट्स, मोदी को कोई डर नहीं है। धन्यवाद। Speaking about the recent arrest of the Pakistani terrorist Waqas from Ajmer, Shinde said that this arrest was a big success and Waqas would prove to be a crucial link in getting more information about any terrorist activities being planned in the country. ये हमारा ये बड़ा सक्सेस है हमारा कि ये Waqas बहुत टेररिस्ट केसेस में हमें चाहिए था, तो वो मिल गया है। लेकिन सर, दाऊद को मुंबई लाने के लिए आसान होगा कुछ? नहीं, वो छोड़ दीजिए, अभी दाऊद की बात पुरानी हो गई है, ये जो मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सर, इसी मामले में बात करूंगा, चुनाव के मद्देनजर वो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि हम इस पे और तलाश लेने का प्रयास करें। ये कितना बड़ा क्रूशियल लिंक होगा सर, ये कितना बड़ा क्रूशियल लिंक होगा? ये बहुत क्रूशियल लिंक होगा, हम आज नहीं बोल सकते, सभी चीजें नहीं बोल सकती है ये। मैं बार बार कहते रहा हूँ कि कहीं ऐसी चीजें बोलने में इंटेलिजेंस पास होता है, उसमें दिक्कतें आती है, और भी हमें एक दो और मिलाने हैं उसी रास्ते पर। दिस रिपोर्ट इज ब्रॉट टू यू बाय NNIS।